पांचवें चरण के मतदान को लेकर सामने है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान जारी है। 6 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग की जा रही। 695 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला इस दौरान होता नजर आएगा। 8,95,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पांचवें चरण में भी कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग देखी जा रही है। मेरा वोट पांचवें चरण में है, मैंने अपना वोट डाल दिया है, तो मैं इस पांचवें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डाल लें, जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश में जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं, ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे, एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया, और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान जारी है। 8,95,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। 4,69,00,000 मतदाता पुरुष हैं, वहीं 4,26,00,000 महिला मतदाता हैं। 94,732 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर 9,47,000 पोलिंग ऑफिशियल्स तैनात हैं। आपको बता दें 9 केंद्रीय मंत्रियों और 1 पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में है। स्मृति ईरानी अमेठी सीट से, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर सीट से चुनावी मैदान में है। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, पवार डिंडोरी से डॉक्टर भारती प्रवीण, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से, कपिल पाटिल भिवंडी, वहीं शांतनु ठाकुर बनगांव। ये वो केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर होगी। वहीं 1 पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से चुनावी मैदान में हैं। यूपी की हॉट सीट्स हैं जिन पर आज मुकाबला है, वो रायबरेली सीट, जहां से राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह आमने सामने होंगे, जहां पर कांग्रेस से राहुल गांधी को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उनके सामने प्रतिद्वंद्वी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं अमेठी सीट की अगर बात की जाए तो किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस से बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी से स्मृति ईरानी मौजूदा सांसद चुनावी मैदान में है। वहीं लखनऊ सीट की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह का सामना रविदास मेहरोत्रा से होता नजर आएगा। कैसरगंज सीट से करण भूषण सिंह, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनका सामना भगत राम मिश्रा से होता नजर आएगा। वहीं साथ ही आपको यह भी बता दें, रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो भी आज चुनावी मैदान में होंगी। इसी खबर पर संजय साहू हमारे सहयोगी बांदा से हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं कैसरगंज से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं।
सबसे पहले संजय जी आपका रुख करूंगा, बांदा में किस तरीके से आप मतदाताओं के भीतर उत्साह देख पा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहा है? बिल्कुल आनंद, देखिए एक तौर पर साफ तौर पर एक बात है कि सुबह 7 बजे से चित्रकूट में मतदान शुरू हुआ है और इस समय मैं जनपद के चित्रकूट इंटर कॉलेज पर खड़ा हूं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो भयमुक्त मतदान कर रहे हैं और इस बार जो होगा वो बेरोजगारी रोजगार के मुद्दे पर मतदान होना शुरू हुआ है। और खास बात यह है कि सुबह जब मतदान इस बूथ पर शुरू हुआ 392 पर, तो तकरीबन 40 मिनट तक यहाँ मतदान प्रभावित रहा, चूंकि इस मशीन पर यहाँ के मशीन पर जो है कुछ गड़बड़ियां आ गई थी, उसके बाद से लगातार यहाँ 40 मिनट तक जो वोटर्स थे वो जो है वापसी होते रहे और यहीं पर जो है डीएम अभिषेक आनंद का भी जो बूथ था वो यहीं पर था और उसके बाद से वो जो है कुछ देर बाद वापस चले गए। जी संजय जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, दिवाकर पांडे हमारे सहयोगी कैसरगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, कैसरगंज सीट पर जहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह चुनावी मैदान में थे बीती बार, अब उसके बाद से उनके बेटे पर भरोसा जताया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, किस तरीके से देख रहे हैं सियासी समीकरण को? पांचवें चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग प्रक्रिया देखी जा रही, 6 राज्यों 2 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान जारी है। पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 695 प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला आज होता नजर आएगा। 8,95,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान जारी, 6 राज्यों 2 केंद्रशासित प्रदेशों में वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, कैसरगंज सीट पर फिलहाल क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है, किस तरीके से देख पा रहे हैं कैसरगंज में मतदान को? देखिए अमन, कैसरगंज में सुबह 7 बजे से वोटिंग होती है, मैं इस समय एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मतदाताओं की एक लंबी कतार लगी हुई है और सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कितने उत्साहित हैं। साथ ही साथ अगर हम कैसरगंज के समीकरण की बात करें तो कैसरगंज का जो समीकरण ऐसा है वही इस बार चुनाव को जो है वो काफी रोचक बना रहा है। अगर कैसरगंज के सियासी समीकरण की बात करें तो कैसरगंज में सबसे अधिक मतदाता 20% ब्राह्मण है, जबकि दूसरे स्थान पर 18% जो है वो मतदाता यहाँ पर मुस्लिम है और साथ ही साथ 18% मतदाता यहाँ पर दलित भी है, 10% मतदाता यहाँ पर क्षत्रिय है, जबकि 7% मतदाता यहाँ पर यादव है और 12% मतदाता यहाँ पर कुर्मी है। तो कुल मिलाकर के अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो उसको देख करके जो है वो कैसरगंज का इस बार का चुनाव जो है वो काफी रोचक नजर आ रहा है, क्योंकि कैसरगंज इस समय देश और प्रदेश में हॉट सीट बनी हुई लगातार चर्चा में है। ये सीट चर्चा में तब आई थी जब जो है वो यहाँ के जो वर्तमान सांसद जो है वो इस समय के ब्रजभूषण शरण सिंह उनके खिलाफ दिल्ली में जो है महिला पहलवानों ने धरना दिया था, उसके बाद से लगातार ये सीट चर्चा में है। उसके बाद आखिरी समय तक कैसरगंज का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तब ये सीट लगातार चर्चा में थी। अब उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे गणभूषण सिंह को टिकट दिया है और उसके बाद जो है और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से भगतराम मिश्रा चुनाव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ देखा जाए तो कांटे की टक्कर कुल मिलाकर के यहाँ बताई जा रही, जिस तरीके से अभी शुरू में मतदाताओं का उत्साह दिखाई दे रहा है उससे निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटिंग अच्छी होगी। लेकिन चूंकि लगातार कैसरगंज जिस तरीके की सीट है जिससे लगातार 3 बार से ब्रजभूषण सांसद रहे, उनका अपने आप में यहाँ एक रसूख है, वहां इनका अपने आप में एक दबदबा है, उनका अपने आप में एक यहाँ पर ब्रांडिंग है और उसके सामने भगतराम मिश्रा को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। यहाँ पर चूंकि सबसे ज्यादा मतदाता ब्राह्मण ये है तो निश्चित तौर पर यही जो जातीय समीकरण है यही इस लोकसभा चुनाव को रोचक बना रहा है। अब ये आने वाले समय में क्या होगा, प्रत्याशी किस जब भाग्य का फैसला करेंगे तो किसके हक में परिणाम जाएगा, ये तो जब 4 जून को परिणाम तो सुरक्षा को लेकर काफी कड़े इंतजाम यहाँ पर है। यहाँ पर पुलिस पर पूरी तरीके से डिप्लॉय किया गया है, पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मुस्तैद है, साथ ही साथ मतदाताओं की लंबी कतार यहाँ पर देखी जा रही। जी अमन जी,
बांदा से हमारे सहयोगी संजय साहू भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहूंगा, बांदा में फिलहाल क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सांसद को ही चुनावी मैदान में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होती नजर आ रही है। 695 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होता नजर आएगा। हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या मोदी फैक्टर कैसरगंज में काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो छवि धूमिल हुई, इसके बाद से उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो क्या यहां पर मोदी फैक्टर कुछ काम करता हुआ नजर आएगा या मुकाबला दिलचस्प देखते हुए नजर आ रहे हैं आप कैसरगंज सीट पर? देखिए, मैं निश्चित तौर से पार्टियों ने तो जातीय समीकरण के हिसाब से अपने प्रत्याशी दिए हैं। जहां समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार करके मुकाबले को रोचक बना दिया। लेकिन बात करें तो चूंकि इस समय जो है पूरी जनता है वो कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं चलती है, जो मोदी का नाम चलता है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी एक बड़ा चेहरा है, लगातार दो बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी का चेहरा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता में जो मोदी का आभा मंडल है, निश्चित तौर पर वो हर जगह प्रभावी है, तो कैसरगंज में भी लगातार प्रभावी। लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जिस तरीके से जातीय समीकरण कैसरगंज का है, वो लगातार मुकाबला बना जो है यहाँ पर रोचक बना रहा है, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ पर सबसे अधिक मतदाता है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशियों को उतारा है, तो उसी को लेकर के लगातार मुकाबला यहाँ रोचक होता जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मोदी का एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित तौर पर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है और मतदाता कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। जी, साथ ही दिवाकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, अभी बीते दिनों जब चुनाव प्रचार जारी थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी तक इस सीट पर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए थे, तो कितने मायने रखती है उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट, क्योंकि यहां से तमाम बीजेपी के नेता ताल ठोंकते हुए नजर आए थे और इस सीट पर पूरी तरीके से बीजेपी की हवा बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए अमन, चूंकि निश्चित तौर पर इस समय कैसरगंज पूरे देश और प्रदेश में हॉट सीट बनी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी लोकसभा चुनाव की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश में कैसरगंज सीट की चर्चा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कैसरगंज निश्चित तौर पर एक हॉट सीट है और कैसरगंज के चुनाव में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो है गोंडा में आकर के जनसभा की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लिए कैसरगंज एक प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने चुनावी रणनीति को अंजाम दिया और उसी के तहत वो लगातार चुनाव लड़ी है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी है वो भी जातीय समीकरण के हिसाब से लगातार चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कैसरगंज में इस बार मुकाबला रोचक है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, 6 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग प्रक्रिया जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी तमाम जानकारी के लिए। पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होती नजर आ रही, 695 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट्स पर भी इसी बीच मुकाबला देखा जाना है, चाहे वो लखनऊ सीट की बात करें, चाहे अमेठी रायबरेली सीट की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में, वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा का भी आज फैसला जनता के हाथ में होगा। वहीं राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में हैं।